बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 10 जून सन 2020 और दिन है बुध का। दोस्तों कल यानी 9 जून सन 2020 और दिन मंगल को ओमान की सुप्रीम कमेटी ने ओमान के अंदर 48 यानी 48 न्यू दुकान को खोलने की इजाजत दी थी। उसकी वीडियो मैं आपके साथ कल शेयर कर चुका हूँ। उसी टाइम जैसे ही वो न्यूज़ आई थी मैं इंग्लिश में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उर्दू में, वो 48 दुकानें कौन कौन सी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि कौन सी 48 दुकानें हैं जो आज 10 जून सन 2020 और दिन बुध से खुल रही हैं। आपको ये बताता चलूँ कि ये मैं शॉप्स की बात कर रहा हूँ, किसी भी मॉल के अंदर की बात नहीं कर रहा, और मथुरा हमरिया यहाँ की बात नहीं है, और इसके बाद में वादी कबीर में भी ये दुकानें नहीं खुलेंगी जो गाड़ियाँ वगैरह की हैं, इसके अलावा दूसरे इलाकों की हैं। नंबर एक पर हैं जूतों की दुकानें, शोरूम जो भी हैं जूतों के वो। नंबर दो पर जूतों की मरम्मत की दुकानें। नंबर तीन पर जेवरात सोने और चांदी के स्टोर। नंबर चार पर सुनार यानी जो इसको टांका वगैरह जो जोड़ते हैं वो। नंबर पाँच पर हर्बल मेडिसिन शॉप्स यानी जो देसी जड़ी बूटियाँ वगैरह सेल करते हैं वो। नंबर सिक्स पर ट्रांसैक्शन दफातर। नंबर सेवन पर तर्जमे के दफातर यानी जो इंस्टीट्यूट हैं जो ट्रेनिंग वगैरह करवाती हैं वो। नंबर आठ पर फोटोग्राफी की दुकानें यानी जो तस्वीरें वगैरह खींचते हैं वो। नंबर नौ पर ऑटो शीशे की फरोख्त और तनसीब यानी जो गाड़ियों के विंड स्क्रीन हैं वो सही करते हैं, उसको मरम्मत करते हैं, न्यू लगाते हैं वो। नंबर 10 पर सजावट की दुकानें। नंबर 11 पर घर के बर्तन और बावर्ची खाने के सामान के स्टोर वगैरह वो। नंबर 12 पर लवाजमात की दुकान की खरीदारी यानी दर्जी का जो भी सामान है, नलकियाँ वगैरह, सुइयाँ वगैरह, वो भी खोल सकते हैं। इसके बाद में नंबर 13 पर स्क्रैप शॉप। मस्कत वगैरह में तो उतने शॉप नहीं है, लेकिन ये सलाला में इसकी शॉप है जो पुराने सामान खरीद और फरोख्त करते हैं। बाकी जिनके स्क्रैप जार हैं वो अपने अरबाब के साथ रब्ता करके खोल सकते हैं। इसके बाद में नंबर 14 पर है जी बाइक और मोटरसाइकिल की फरोख्त और मरम्मत यानी मोटरसाइकिल वगैरह और जो बाइक साइकिल की जो मरम्मत वगैरह, टेंचर जो भी लगाते हैं वो। नंबर 15 पर डिजिटल प्रिंटिंग शॉपिंग्स। नंबर 16 पर खताती की दुकानें जो साइन बोर्ड वगैरह बनाते हैं। नंबर 17 पर पेपर प्लास्टिक का कारोबार यानी जो भी इनकी इंडस्ट्री है, जो भी फैक्ट्रियाँ हैं वो। नंबर 19 पर फोटो और फोटो फ्रेम शॉप्स जितनी भी दुकानें हैं। नंबर 20 पर हफाजती आलात की फरोख्त और इंस्टॉलेशन। नंबर 21 पर गाड़ी के एसी की जो मरम्मत करते हैं वो, वादी कबीर में ये नहीं होगी, इसके अलावा है ना ही मथुरा वगैरह में। नंबर 22 पर इस्तेमाल शुदा कारों के शोरूम्स। नंबर 23 पर किचन के सामान से मुतलक वर्कशॉपें। नंबर 24 पर कारपेंट स्टोर। नंबर 25 पर फर्नीचर स्टोर। नंबर 26 पर बिल जमा करने और अदायगी करने वाले तमाम दफातर। नंबर 27 पर स्टोर घर में सामान, जो घर में सामान वगैरह इस्तेमाल होता है जैसे प्लास्टिक की बाल्टियाँ वगैरह, ये चीज़ें। नंबर 28 पर खेलों के पहनने वाले मलबूसात स्टोर। नंबर 29 पर कॉस्मेटिक मटेरियल की दुकानें। नंबर 30 पर रेडीमेड खवातीन मलबूसात जितने भी आते हैं। नंबर 31 पर रेडीमेड गारमेंट्स। और नंबर 32 पर जो ओमानी कैपे वगैरह हैं जो कंदूरे वगैरह सेल करते हैं वो। नंबर 33 पर बच्चों के मलबूसा स्टोर जो रेडीमेड हैं वो। नंबर 34 पर लान की मसनू दुकानें, घास यानी जो आपने कारपेट वगैरह देखे होंगे ग्रीन कलर के, जो मसनू पार्क वगैरह बनाते हैं वहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। नंबर 35 पर खुशबू और बखूर की दुकानें। नंबर 36 पर क्लीन की सफाई करने वाली दुकानें। नंबर 37 पर वॉलपेपर स्टोर, जो भी शॉप वगैरह हैं वो वॉलपेपर की वो। 38 पर पर्दे बनाने वाले स्टोर यानी जो ये पर्दे वगैरह करते हैं जिसको कहते हैं वो दुकानें। इसके बाद में नंबर 39 पर बच्चों के खिलौनों की दुकानें वगैरह। और नंबर 40 पर है जी मट्टी के सामान की दुकानें, यानी आपने देखा होगा कि जो ओमान के ट्रेडिशनल बर्तन वगैरह बनाते हैं जैसे फंजा में मार्केट है, इसके बाद में ये बर्तन ज़्यादातर बहला में बनाए जाते हैं, वो सब दुकानें भी खोलने की इजाज़त है। नंबर 41 पर नवादरात और तहाइफ की दुकानें। नंबर 42 पर बैग और चमड़े की मसनूआत जितनी भी दुकानें सेल करती हैं वो। नंबर 43 पर 43 पर है जी कालीन बेचने वाली दुकानें। नंबर 44 पर 44 पर पेटेंट और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के दफातर। नंबर 45 यानी 45 पर जितनी भी बिल्डिंग लाइन में सामान इस्तेमाल होता है वो, रेंट पर जितनी भी दुकानें हैं यानी जो रेंट पर सामान लेते हैं वो भी खोल सकते हैं, हिल्टी वगैरह, ग्राइंडर वगैरह, कटर जो भी है, जनरेटर वगैरह। इसके बाद में नंबर 46 यानी 46 पर है टेलीकॉम कंपनियों के हाल, जितने भी इनके दफातर हैं वो भी खुले हैं। नंबर 47 पर ऑटो लवाजमात यानी गाड़ी का ये जो सामान है वो।
और नंबर 48 यानी 48 पर घुड़सवारी के साजो सामान स्टोर यानी कैमल के साजो सामान स्टोर वो, और नंबर 49 पर है जो ये चाबियां वगैरह बनाते हैं डुप्लीकेट वो। ये जितनी भी मैंने आपको दुकानें बताई हैं इनमें कम से कम जो भी अशखास दाखिल होंगे, जो काम करेंगे, जो कस्टमर आएगा या खुद स्टाफ होगा, कम से कम 2 मीटर की डिस्टेंस रखनी चाहिए। और जितनी भी एहतियात स्प्रिंग कमेटी ने आपको बताई है उनको फुल फॉलो करेंगे तो ही आप ये कारोबार कर सकते हैं, वरना आपको नुकसान हो सकता है, आपको जुर्माना हो सकता है, आपको जेल जाना भी पड़ सकता है। तो प्लीज़ उनके रूल को फुल फॉलो कीजिए तब ही आप ये दुकानें सब खोल कर आराम से अपना बिजनेस कर सकते हैं।